आइए सुनते हैं कहानी का अगला भाग। हम एक से एक वजनी नारे लगा रहे थे कि पक से कंपार्टमेंट का दरवाजा खुला। भव्य ललाट और प्रभावोत्पादक व्यक्तित्व लिए एक व्यक्ति दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया तथा मंद मंद मुस्काने लगा। उस मुस्कान को पवित्र मुस्कान कह सकते हैं। यही है, यही है, रोजा बोली। हाँ, राम प्रताप मुर्दाबाद, रोजा ने नारा लगाया। मैंने क्या दोहराया यह मेरी समझ में नहीं आया। गाड़ी चल पड़ी। वह व्यक्ति उसी तरह मुस्काता खड़ा रहा, लेकिन चेहरे पर जरा भी शिकन। मैं कह ही रहा था कि रोजा बात काटकर बोली, अरे गांधी का चेला है ना, सब पोप बाजी गांधी से इन लोगों ने सीखी है, जूते खाकर मुस्कराना। रंगे सियार, बड़े चले हैं समाजवादी बनने, क्रांति करेंगे, ठोंगी। हॉस्टल पहुंचने के बाद मैं दो बातों की आशंका कर रहा था। प्रथम, विनोद से मैत्री विच्छेद की। दूसरे, इस पार्टी की ओर से अपने नाम रटी रटाई छपी छपाई गालियों की। कुछ हो जाता तो कम से कम पिंड छूटने की उम्मीद थी, पर हुआ कुछ भी नहीं। विनोद ने आकर अनुपस्थिति के लिए उलाना भर दिया और घंटों भर सभा की सफलता की बातें करता रहा। एक दो महीने तक यही रवैया जारी रहा। कभी कभी तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर भाग जाने की इच्छा होती। एक ही साथ तीन तीन पार्टियों का मेंबर होकर आखिर कब तक कोई अपनी इज्जत को सलामत रख सकता है। कैलकटा कैफे के कंसेशन और क्रेडिट के आगे सभी पार्टियों को कुर्बान करने जाता तो मिस रोजा की रसभरी आंखें राह रोककर खड़ी हो जाती। एक दिन ब्लॉक के एक मेंबर ने मुझे एकांत में ले जाकर एक बंगला हैंडबिल दिया और उसका हिंदी अनुवाद करने का भार सौंप दिया। मैंने अनुवाद कर दिया। रात भर में ही उसकी छपाई सफाई भी हो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं चौक से वापस आ रहा था। टांगा रोककर हैंडबिल का दो गट्ठर मुझे चुपचाप सुपुर्द कर दिया गया। बंटवाना भी पड़ेगा, बांटने वाले ना मिले तो खुद ही बांटना भी पड़ेगा, यह था पार्टी का आदेश। एक जमाना था जबकि माता पिता के आदेश को विशेष महत्व दिया जाता था। माता पिता के आदेश पर लोग जंगल की खाक तक छानते थे, पर इस वैज्ञानिक युग में पार्टी के आदेश को ही विशेष महत्व दिया जाता है। माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना तो क्रांतिकारियों का धर्म ही है। सो इन पर्चों में गर्मा गर्म बातें हों या एटम बम हो, बांटना या बंटवाना पड़ेगा ही। तांगा दूसरे चौराहे के पास भी नहीं पहुंचा था कि किसी की मीठी पुकार सुनाई पड़ी, कॉमरेड, मिस रोजा। वह अपने तांगे पर से उतरकर मेरे तांगे पर आ गई, मानो मेरे लिए ही जोगन सी वन वन भटक रही थी। हम लोग सिलसिले से बात करने का पोज बना ही रहे थे कि 10 कदम पर फिर से तांगा रोका गया। इस बार की रुकावट आखिरी रुकावट थी, CID इंस्पेक्टर महोदय थे। हम दोनों को साथ पाकर आपने बहुत खुशी जाहिर की, उन्होंने आवश्यकता से अधिक नर्म होकर फरमाया, माफ कीजिए, आप लोगों की तलाशी लूंगा। पास ही कोतवाली का एक छोटा दफ्तर था, हम लोग वहीं ले जाए गए। बाज़ाब्ता तलाशी होने लगी। मिस रोजा के हैंडबैग से कुछ सुगंधित चिट्ठियां में लिफाफे भी निकले। मैंने आंखें बचाकर एक पत्र को देखा, शीर्षक था मेरी रानी। कलेजा तो धड़क रहा था ही, आंखों की रोशनी भी गायब हो गई। जब गठरों की बारी आई तो मैं धम से एक टूटी कुर्सी पर बैठ गया। गठर खुलने लगे, पुलिस वालों की बांछें खिल गईं। हेयर यू आर, कहिए साहब, इन गठरों में श्रृंगार की सामग्रियां और साड़ियां थी ना, ये पर्चे कहाँ से आ गए? इंस्पेक्टर साहब ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली। मैं चुप रहा। रोजा पीली पड़ गई, उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकल पड़ी। हम लोग स्थानीय जेल में पहुंचा दिए गए। लेडीज वार्ड की ओर जाती हुई क्रांति की मूर्ति मिस रोजा फूट फूट कर रो पड़ी। जेल में पहुंचकर मैंने राहत की सांस ली। दूसरे दिन एक पत्र में निकला, स्टूडेंट फेडरेशन कम्युनिस्ट ग्रुप के सदस्य कॉमरेड पी राय तथा मिस रोजा आपत्तिजनक पर्चों के साथ गिरफ्तार। दूसरे पत्र में खबर छपी, स्टूडेंट फेडरेशन सोशलिस्ट ग्रुप की कार्यकारिणी कॉमरेड प्रफुल्ल आपत्तिजनक पर्चों के साथ गिरफ्तार। तीसरे पत्र ने लिखा, अग्रगामी दल के परस्थित बंगाली कार्यकर्ता
मिस्टर राय सरकार के मेहमान बना लिए गए। यदि सच पूछा जाए तो प्रथम राजनीतिक बंदियों को घर से भी बढ़कर जेल में आराम रहता है। खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, किसी बात की फिक्र नहीं। सो जिंदगी के दिन चैन से कटने लगे। रोज़ा तो 2 दिन के बाद ही छोड़ दी गई, पर अदालत ने मुझे 3 वर्ष की लंबी सज़ा दे दी। सोचा था पार्टी के भयंकर भूत से पीछा छूटा, लेकिन 1942 का देशव्यापी आंदोलन छिड़ा। जेल खचाखच भर गई। देखते ही देखते पार्टी की बीमारी भी फैल गई। मुफ्त का खाना, आराम से सोना और गला फाड़कर बहस करना, बस। जेल में कम्युनिस्टों की संख्या नहीं के बराबर थी। वे अपनी दाल गलाने की चेष्टा करने की हिम्मत भी नहीं करते थे। गांधी बाबा के भक्तगण तो खर्चा चलाने के सिवा अध्ययन, पठन पाठन को भी पार्टी की ही चीज समझते थे। अतः वे इन झंझटों से कोसों दूर रहते थे। बहस करना तो दूर, जेल के अधिकारियों के दुर्व्यवहारों के खिलाफ आवाज उठाने को भी वे हिंसा करार दिया करते थे। सोशलिस्टों का बहुमत था और मैंने अपने को सोशलिस्ट कहने में भी अपना कल्याण समझा। कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले अपने मेंबरों की रिहाई के लिए अथक परिश्रम कर रहे हैं। उनके सुकर्मों को देख सुनकर पूरा भरोसा हुआ कि वे अपने मेंबरों को अवश्य छुड़ा लेंगे। अतः एक दिन छिपकर कम्युनिस्टों को याद दिलाया कि वे मुझे भूल न जाएं। यूं तो जेल में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं थी, फिर भी अपनी मुक्ति के लिए दिन रात छटपटाया करता था। जेल से मुक्ति का अर्थ था पार्टी के दलदल से मुक्ति। इस दलदल से निकलने के लिए मैं जितनी चेष्टा ही करता था उतना ही उसमें फंसता जाता था। दिन भर भौतिक बात पढ़कर ईश्वर की सत्ता को मिटाया करता था और रात में मसहरी के अंदर भगवान से अपनी मुक्ति के लिए घंटों रो रो कर प्रार्थना किया करता था। भगवान ने मुझ जैसे अनन्य भक्त की प्रार्थना सुन ली। मैं बीमार पड़ा, बीमारी ने रंग दिखलाया। पत्रों ने बारी बारी से मेरी मुक्ति की मांग की। सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ और मुझे समुचित चिकित्सा के लिए जनरल हॉस्पिटल भेज दिया गया। चिकित्सा होने लगी, वजन बढ़ने लगा, बुखार घटने लगा और सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि पार्टी के भूतों से पिंड छूटा। ARP ट्रेनिंग के लिए आई हुई सुशिक्षित प्रियदर्शनी बंगाली नर्सें मेरी तीमारदारी करती थीं। मैंने देखा कि वे सब की सब मुझसे खिंची रहती हैं। एक दिन बड़ी चतुराई से इस मन मुटाव के कारणों को जानने की चेष्टा की तो पंचतंत्र की उस चक्र वाली कहानी की तरह सिर पर पार्टी का चक्र सवार होकर नाचने लगा। मुझे गांधीवादी समझकर वे मुझसे चिढ़ती थीं, क्योंकि गांधीवादियों ने सुभाष को धोखा दिया था। मैंने एक अज्ञात प्रेरणा से प्रेरित होकर गांधीवादियों की जरा निंदा कर दी और उन लोगों ने मुझसे सैकड़ों प्रश्न पूछकर पता लगा ही लिया कि मैं फॉरवर्ड ब्लॉकिस्ट हूँ। फिर क्या था, क्षण भर चैन न पाऊँ सजन्मा तोरे बिना के सभी लक्षण प्रकट होने लगे। सरकार ने मुझे शीघ्र ही छोड़कर बुद्धिमानी का परिचय दिया, वरना मैं एक नई बीमारी का शिकार हो जाता। मुक्ति पाकर मैंने प्रतिज्ञा की कि किसी पार्टी की चर्चा छिड़ते ही वहाँ से भाग खड़ा होऊंगा। चेष्टा तो मैंने खूब की, पर एक पार्टी के हिमायती से भेंट हो ही गई। पुरानी जान पहचान थी, टालना आसान नहीं था। बातें करते करते अपनी पार्टी की पिटारी खोल ही दी। बंबई योजना के विरुद्ध राय योजना का घोषणा पत्र मेरे हाथ में देते हुए आपने फरमाया, देखिए यह रही कॉमरेड राय की योजना। बहस करने से ही केस जाने की पूरी आशंका थी और अपनी राय दिए बिना रायस महोदय से पल्ला छूटने की आशा नहीं। मेरे मुंह से अच्छी है सुनकर ही आपने दम लिया। घर पहुंचते पहुंचते ही मैंने पत्रों में पढ़ा, कॉमरेड प्रफुल्ल ने रिहा होकर बॉम्बई योजना पर वक्तव्य देते हुए बताया कि यह शोषकों की योजना है, राय योजना से इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। राय योजना सही अर्थों में शोषितों की योजना है। पढ़ाई लिखाई की तो इतिश्री हो ही गई थी, घर वालों ने शादी का राग अलापना शुरू कर दिया। जेल जाने के पहले तो कन्या पक्ष वालों का तांता लगा रहता था, मैं एक कीमती सौदा समझा जाता था। किंतु अब तो लोग मुझ जैसे बेमतलब जेल चले जाने वाले को लड़की देना और लड़कियों को कुएं में डाल देना बराबर ही था। माँ और पिताजी की आरजू मिन्नतों को मानकर मैंने अपनी राय दे दी। बुलाहट हुई, सस धजकर पहुँचा एक दिन, भावी जमाता के अनुकूल ही आभगत हुई। कन्या के पिता आधुनिक विचारों के कायल थे और वर्तमान संसार में रहते थे।
कन्या देखने दिखाने के बाद उन्होंने संसार की राजनीति पर भाषण देना, कुछ अपनी भी राय देना शुरू कर दिया। वे सुना रहे थे, मैं सुन रहा था। कुछ देर के बाद मैंने अनुभव किया कि पर्दे के उस पार खड़ी जनता मेरे प्रवचन सुनने को अधीर हो रही थी। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे हाँ में हाँ मिलाने वाला समझकर लोग छांट दें। अपनी भावी पत्नी को देखकर मैंने कल्पना के संसार में नए डिज़ाइन के कितने बंगले बना डाले थे। मुझे मैदान जंग में उतरना ही पड़ा। बातों का सिलसिला क्विट इंडिया तक पहुँच चुका था। मेरे भावी ससुर की राय थी कि कांग्रेस ने क्विट इंडिया प्रस्ताव पास करके बच्चों की सी गलती की। मुझे इसका विरोध करना ही पड़ा। वातावरण गर्म हो गया। पर्दे के उस पार की गर्मी का भी मैंने अनुभव किया। मेरी आवाज़ चौगुनी हो गई और मैंने यहाँ तक कह डाला कि हमारी मंजिल अब दूर नहीं। 1942 के बाद देश ने, सुनिए, मेरे एकमात्र भावी साले साहब ने अपनी कोठरी से निकलकर मुझे रोका। मैंने उनकी जवानी पर विश्वास करते हुए कहा, कहिए मोहन बाबू, मैं गलत कह रहा हूँ? ज़रूर, अवश्य। वे बैठ गए और बड़ी गंभीरता पूर्वक बोलने लगे, देखिए प्रफुल्ल बाबू, अब तक मैं चुपचाप आपकी बातें सुनता रहा। जहाँ तक मेरी शक्ति थी मैंने अपनी आत्मा को धोखा दिया, यानी अपने को रोके रहा। लेकिन बातें यहाँ तक बढ़ गई कि चुपचाप रहना मैंने सरासर नमक हरामी समझी। ज़रूर, अवश्य, मैंने उत्साहित होकर कहा। आपने अंतिम कई बातें ऐसी कही कि जो सोशलिस्ट की बातें हैं और एकदम भारत रक्षा कानून में आ जाती हैं। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि आप किसी की ड्यूटी की महत्ता को अवश्य महसूस करते होंगे। इस अवस्था में भी मैं अपनी ड्यूटी नहीं बजा रहा हूँ, यह मेरी नमक हरामी के सिवाय और कुछ नहीं। तो वे अपने पिता के सिगरेट के केस से एक सिगरेट निकालकर सुलगाने लगा। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखकर कहा, वास्तव में यह पहला मौका है कि मैंने लल्लू को गम खाते देखा। किस मुंह से बोलते हैं? पर्दे के उस पार से आवाज आई, लड़के की नई नौकरी है, तरक्की के लिए कोशिश करना तो दूर, बैठे बिठाए बम वालों से रिश्ता जोड़कर नौकरी भी ले डूबने की तैयारी कर रहे हैं। मेरी लड़की कुंवारी रहेगी, नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिश्ता। संभवतः यह मेरी सास साहिबा की क्रुद्धवाणी थी। मेरी समझ में आया कि माजरा क्या है। मुझे तुरंत ही समझा दिया गया कि मोहन बाबू की खुफिया विभाग में नौकरी मिल गई है 1943 से। यह उनके दास जीवन में पहला मौका था कि वे अपनी आँख कान से देख सुनकर भी भारत रक्षा विधान के मुजरिम को छोड़ रहे थे। मेरे साथ उन्होंने इतनी सी रियायत अवश्य की कि मुझे 2 घंटे का समय दिया। मैंने सिर्फ 15 मिनट में ही तैयार होकर उनका घर तो कुछ कर ही दिया था। साथ ही वह लड़की शादी की रही सही आशा को खिड़की पर खड़ी दयनीय मुद्रा बनाकर देखती रही। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। पर एक लंबी सांस छोड़कर वापस आने के सिवाय और चारा ही क्या था। इस छोटे से व्यापारिक कस्बे को पार्टी पॉलिटिक्स से परे समझकर मैंने यहाँ पर एक छोटी सी नौकरी कर ली। किंतु अब आटे दाल का भाव मालूम हो रहा है। यहाँ तो सैकड़ों पार्टियाँ हैं, अपने को किसी पार्टी से अलग रखकर एक कदम भी चलना मुश्किल है। महाशय क से ज़रा हंसकर वार्तालाप कर ली तो मिस्टर ख की आंखों में चढ़ जाता है। पंडित ग के यहाँ ट्यूशन करने जाता हूँ तो मुंशी घ मुंह फुला लेते हैं। श्रीमान त एक मिल मालिक हैं। एक दिन मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर उनके यहाँ ज़रा खीर क्या चख ली, कार्ल मार्क्स का सारा कैपिटल कलंकित हो गया। बड़ी बड़ी दुकानों की बात तो जाने दीजिए, फेरी लगाने वालों की भी पार्टी है। एक दिन बाजार से सिगरेट अचानक गायब हो गया। सिगरेट पीने वाले लोहे की दुकानों में सिगरेट तलाश करते पाए जाते थे। मैंने अपने चाय और सिगरेट दाता श्री शिवजी से पूछा कि भाई तुम कहाँ से सिगरेट लेके आते हो? तो उसने दांत निपोड़ कर कहा, जी अपनी पार्टी के लोगों के लिए क्या करें, ब्लैक मार्केट से। समझने में देर नहीं लगी कि पार्टी की बदौलत ही मैं सिगरेट पी रहा हूँ और मैं उसी पार्टी का ही हूँ। जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ने की घोषणा की, यार लोग रंग बदल रहे हैं। जिन्होंने सरकार बहादुर के सामने प्रतिज्ञा की थी कि कभी किसी पार्टी में भाग नहीं लेंगे, उन्होंने भी 1942 की धुली हुई बक्स में बंद गांधी टोपी निकालकर पहनना शुरू कर दिया। कांग्रेस शब्द को उच्चारण करने से पहले जो इधर उधर देख लेते थे, वही आज राह रोककर चुनाव की चर्चा करने लग गए हैं। मैं भी अब अपने को किसी पार्टी का घोषित कर सकता हूँ।
कम्युनिस्टों में मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं रह गई, क्योंकि मिस रोजा ने एक अमेरिकन सैनिक से शादी करके अपने अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत को कार में परिणत कर दिया था। सोशलिस्टों को लोग दामन पसार कर दुआएं दे रहे थे। ब्लॉक और कांग्रेस में कोई मतभेद अब रहा ही नहीं, रास्ता साफ है। लेकिन पार्टी की चर्चा छिड़ते ही हृदय की गति बंद होने को हो जाती है, दिमाग चक्कर खाने लगता है। कुछ स्थिर भी करूं तो कैसे? दिन भर में हजार प्रश्न पूछे जाते हैं। मिस्टर ड और ढा दोनों इस बार कांग्रेस के टिकट पर खड़े होने की सोच रहे हैं। आपकी राय में दोनों में से कौन फिट है? मिस्टर म पर तो अनुशासन की कार्रवाई हुई थी। सुनते हैं राजा साहब कांग्रेस के विरोध में खड़े हो रहे हैं। अरे साहब, श्रीयुत श तो हिंदू सभा के टिकट पर खड़े होंगे, वे तो आपके घनिष्ठ मित्र हैं, मदद तो करनी ही पड़ेगी, आदि आदि। मैं एकदम चुप्पी साध लेता हूँ। मेरी चुप्पी को इतना महत्व दिया जाने लगा है कि प्रत्येक पार्टी के मेंबर मुझे अपनी विरोधी पार्टी का भेद जानने वाला समझने लगे हैं। नाकों में दम है। मैं सभी पार्टियों का हूँ, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ। मिशन एक पार्टी का वर्ण किए बिना गुजर नहीं, पर जब प्रश्न उठता है कि किसको, तो सिर चक्कर खाकर रह जाता है। दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं आती, आती भी है तो बुरे सपने देखने लगता हूँ। देखता हूँ कि मैं सड़क पर भागा जा रहा हूँ, शहर के आवारा लड़के मेरे पीछे टीन बजा बजा कर दौड़ा रहे हैं। सब चिल्ला रहे हैं, आप किस पार्टी के हैं, आप किस पार्टी के। मैं चिढ़कर उन लोगों को मारने दौड़ता हूँ। लड़के ढेले फेंकते हैं, तालियां पीटकर हंसते हैं। सड़क पर दौड़ रहा हूँ, दर्जी चिल्लाकर कहता है, सड़क क पार्टी की है। सड़क छोड़कर पगडंडी पकड़ लेता हूँ। नाई आवाज़ देता है, पगडंडी ख पार्टी की है। पगडंडी छोड़कर नाले में गिर पड़ता हूँ। चौकी पर से नीचे गिरकर नींद टूट जाती है, उठने की शक्ति शेष नहीं रह जाती है। काला ज्वर से पीड़ित सेवक बुद्धन किसी तरह उठाकर चौकी पर बैठा देता है, सांत्वना कुछ नहीं देता। वह एक दिन गांव जाकर अपने चचा को बुला लाएगा, वह झाड़ फूंक कर सब ठीक कर देगा। मुझे भूत लगा है, आदि आदि। मैं अभी मानता हूँ कि मुझे भूत सता रहा है। भूत प्रेत को नहीं मानने वालों से मेरी प्रार्थना है कि वे कम से कम इस भूत पर अवश्य विश्वास करें। आशा है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही मनोरंजक कहानियों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।